Guys, good afternoon, all of you. I'm Sonam Chaudhary, and how are you all? I hope you are very well. First of all, I have a good news for you. देखिए हमारा जो UDISE का पोर्टल है वो एक्टिवेट हो चुका है एंड एवरी क्लास टीचर्स हैव टू डू एक्टिवेट दैट पोर्टल्स एंड हमारा जो भी सारे क्लास टीचर्स हैं उनके लिए बस ये मैं ज़्यादा कहूँगी कि आप लोग अपने आधार कार्ड, आप लोगों के मार्क्स इन परसेंटेज, TC, बच्चा लेफ्ट है मेंशन करना होगा उसका रीज़न, यही सारी चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। चलिए हम चलते हैं, जो हमारे न्यू कमर्स है वो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान से देखें, एक एक स्टेप मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना होगा, भाई उसमें नेट तो चाहिएगा ही, विदाउट नेट यू कैन नथिंग डू इट। उसके बाद हमारा जो ब्राउज़र रहेगा क्रोम, गूगल, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं देन यू कैन गो। क्रोम ब्राउज़र पर मैं इसको क्या कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पर आपको डालना होगा UDISE प्लस। जैसे आप इस पर डालते हैं UDISE प्लस, इसको आप प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से हमारा आ जाता है। इसमें क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टेट टू लॉग इन। आप लोगों को इसमें हमारा क्या है, हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो दैट्स वाई हम लोगों को इसमें UP ही डालना पड़ेगा। ये आ गया मेरा और लॉग इन करते ही, चलो टचवुड नेट अच्छा चल रहा है यहाँ पर, तो हमारा ये लॉगिन करते ही बस ओपन होने वाला है। देखिए ये हमारा ओपन हो चुका और मेन चीज़ें आपकी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द दिस सेशन 2024 एंड 2025। आप इसको जो हमारा ऑरेंज हमारा जो दिया गया है ना, इसको शेप को इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ये हमारा इस तरह से ओपन होकर के आ जाता है। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है आप सबसे पहले अपने जहाँ पर जो 3-dot कॉर्नर में है इस पर जा करके डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर हम नहीं करते हैं तो आपका इस तरह से आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए देखिए मैं तो हमेशा रखती हूँ, देन आप भी इसको डेस्कटॉप साइड कर लीजिएगा। करते ही तो बिल्कुल आप लोगों के जो कंप्यूटर और हमारी जो स्क्रीन लैपटॉप वाली होती है ना वो आ जाती है। इसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है बहुत ध्यान से देखेंगे, जो हमारी प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ है, प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ को आप वहाँ से जाएंगे, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए ये हमारा आ जाता है प्रोग्रेशन जो मॉड्यूल्स है, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, वाइज, फाइनलाइज। आफ्टर दैट आप इसमें कहाँ जाएंगे, प्रोग्रेशन जो मॉड्यूल है उस पर चले जाइए। अब हम इसमें जाते हैं, हम इसमें अपनी क्लास डालेंगे, सिलेक्ट क्लास। जैसे हम लोग इसमें सिलेक्ट क्लास करते हैं, फर्स्ट वाले हैं फर्स्ट वाले डालेंगे, सेकेंड है सेकेंड डालेंगे, आप लोग अपना सेक्शन डालेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट ए सेक्शन डाल दिया एंड आफ्टर दैट आप गो पर प्रेस कर देंगे। देखिए जैसे ही मैं इसको गो पर प्रेस करती हूँ हमारा इधर से अभी चल रहा है, बस थोड़ा सा टाइम ही लेगा। और जैसे ये ओपन हो जाता है तो आप लोगों को अपडेट करना होगा, लेकिन अपडेट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ भाई सभी बच्चों के, आप लोग इसको जब दूसरे वाला आएगा, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग एरर कोड, ओके थोड़ा बिजी चल रहा है सभी कर रहे हैं तो दैट्स वाई ऐसे रोंग आ जाता है। आप रैटरी करके दोबारा कर सकते हो, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती है कि हम रैटरी नहीं करेंगे। और इसके मार्क्स की हमें परसेंटेज अपने पास रखनी पड़ेगी भाई, और आप लोगों को एक बार ऑफिस से ये देख लेना कि कौन बच्चा हमारा TC लेफ्ट हुआ है, उसका आप रीज़न मेंशन करेंगे। अगर वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उसको सेम स्कूल देंगे, अगर वो TC लेफ्ट हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, TC लेफ्ट देंगे। माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग भाई, ये तो अभी ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके यहाँ पर देखिए ये हमारा आ चुका है बिल्कुल, ये प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ हमने किया हुआ था क्लास वगैरह डाल के, ये आ गए यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें इन्हें सब कुछ सारी क्लासेस को इन्होंने पेंडिंग दिखाया हुआ है, अब हम लोगों को प्रमोट करना है बच्चों को नई क्लास में। उसके बाद में आप इसमें व्यू और अपडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर जाइए और व्यू को प्रेस कीजिए। जहाँ पर भी हम व्यू प्रेस करते हैं देखिए ये आ चुका है मेरे पास, द क्लास फर्स्ट का डाटा है, बच्चे का नाम होगा है हमारा, ये देखिए अनन्या आ गया है, आयान आ चुका है यहाँ पर। अब आप इसके 23-24 वाला है इसको खोलेंगे, प्रोग्रेशन स्टेटस को, यानी कि इस पर क्लिक किया तो हमें क्या करना है, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। बच्चे कैसे प्रमोट कराए, डेफिनेटली हमारा क्या है, बच्चा हमने प्रमोट किया गया है, उसने एग्ज़ाम दिए हैं, उसकी मार्क्स, यू हैव टू फिल द परसेंटेज। अगर आप लोग परसेंटेज में फिल नहीं करोगे तो ये हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, विदाउट परसेंटेज के फिल नहीं होगी। सपोज दैट मेरा क्या आ चुका है इसमें 80% आ चुका है, देन यू कैन फिल द 85%। ओके उसके बाद में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कितने आप लोगों के नंबर ऑफ डेज बच्चा आ रहा है, क्या मतलब क्या हिसाब चल रहा है।
मैंने जैसे इसमें 220 डाल दिया, कितने स्कूल खुले हैं आप सभी उसके हिसाब से देख लेना। स्कूल का जो स्टेटस है हमें वो डालना होगा। अभी वो क्या कर रहा है, बच्चा टीसी लेफ्ट हुआ है विद टीसी, विदाउट टीसी, या फिर स्टडिंग इन सेम स्कूल, बच्चे स्टडी कर रहा है सेम स्कूल में, देन आप ये फिल कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वाले स्कूल में वो गया है विद टीसी तो आप टीसी दिखाएंगे उसमें। उसके बाद में आप लोगों को क्लास, हम किस क्लास में कर रहे हैं, हमारा जो सिलेक्ट हो गया सेक्शन है और क्लास सेकंड में हम आई रहा है लिखा हुआ, और सेक्शन इसमें देना होगा कि हमारा ए है बी है, मेरे को ए में डालना है, देन मैंने इसको ए कर दिया है। और ए करने के बाद में अब आप इसको क्या करोगे, इसको हम इसमें अपडेट कर देते हैं। मैं इसको अपडेट नहीं कर रही हूँ वरना फिर से करेक्शन करना पड़ेगा, तो आप इसको जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के साथ में पर्टिकुलर बच्चे को करना है, कोई भी बच्चा हमारा ना रहे। एंड टीचर्स प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप लोग ऑफिस से पहले अपना रिकॉर्ड कलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन बच्चा टी सी विदाउट टी सी लेफ्ट है या फिर बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है। पिछली बार बहुत मिस्टेक हुई थी, हमें जवाब देना भारी हो जाता है, आप भी समझ सकते हो। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सबसे पहले आप अपना रिकॉर्ड मेंशन कीजिए और आफ्टर दैट हम लोग इसमें करेंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है, इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन इन दैट थिंग्स, देन यू कैन कॉल माई प्राइवेट नंबर्स जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।